अच्छा इसमें है स्पीयर एक्टल आर टी टू इनफीरियर रेक्टल आर्टीज आर्टी, और मिडल रेक्टल आर्टीज ठीक है अच्छा आर ठीक है अच्छा स्पीयर रेक्टल आर्टरी की अगर हम बात करें तो सप्लाई स्पीयर टू पेक्टिनेट लाइन यानी जो पेक्टिनेट लाइन से ऊपर वाला हिस्सा होगा ठीक है, है वो ये <coughs> सप्लाई करेगा और टू इन आर्टरी क्या है सप्लाई टू पेक्टिनेट लाइन मसल और पेरी एनल स्किन पेक्टिनेट लाइन से नीचे वाला हिस्सा होगा उसे इनफीरियर रेक्टल आर्टरी और मिडिल आर्टरीज क्या कहेंगे किसके स्पीरियर और इन्फीरियर एक्टल आर्टिस्ट के दरमियान दुबा देख लेते हैं दो, दो तरह की आर्टरीज हैं तीन तरह की टू एक्टल और एक मिडिल एक्टल ठीक है अच्छा स्पीयर एक्टल आर्टरी क्या कहती है स्पीरियर पेक्टिनेट लाइन से ऊपर टू इनफीरियर एक्टल आर्टिस्ट क्या करती है पेक्टिनेट लाइन से नीचे उसके साउंडिंग मसल पैरियान स्किन और मिडिल एक्टल आर्टिस्ट क्या करती है उन दोनों के दरमियान नास्ट नोस करती है एक्टल आर्टिस्ट के ठीक है उसके बाद इनोवेशन देखती है इनफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सेस ठीक है कहां तक इनोवेट कहता है स्पीय टू पेक्टनेट लाइन कौन है इनफीरियर हाइपोगेस्ट्रिक प्लेक्सेस और इन्फीरियर रेक्टल नर्व्स कहां कहती है इनफीरियर टू पेक्टनेट लाइन ठीक है यानी लाइन के ऊपर इनफीरियर हाइपोगेस्ट्रिक प्लेक्सेस से इनोवेशन है लाइन से नीचे इन्फीयर रेक्टल नर्व से इनोवेशन है ठीक है उसके बाद वीनस सप्लाई है ठीक है इंटरनल इंटरनल रेक्टल वीनस प्लेक्सेस ठीक है ये इसका मेन है अच्छा स्पीयर टू पेटनेट लाइन इंटरनल रेक्टल वीनस प्लेक्सेस ड्रेन्स चीफली इंटू स्पीय रेक्टल वेन्स इन्फीरियर टू पेक्टनेट लाइन इंटरनल वीनस प्लेक्स ड्रेन इंटू इनफीरियर वैक्टल वेन्स ठीक है ये पैक्टनेट लाइन यानी इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर वाला स्पी एक्टल वेन ड्रेन चीफरी तो और ड्रेन इंटू इनफीरियर वैक्टल वेन कहां टू तो पेक्टनेट लाइन कौन इंटरनल वैक्टल वीनस प्लेक्स ठीक है ये ड्रेन करता है स्पीय टू तो पेक्टनेट लाइन ड्रेन चीफी इंटू तो स्पीक्टल वेन ियर टू into inferior इंटू veins. ठीक हो गया inferior की बात कर रहे हैं. अच्छा, उसके बाद है middle veins, ये यहमोस करती हैं बिटवीन स्पीय एंड फीरियर वेन्स ठीक है और मेनली ऑफ दस्कुलना ठीक हो गया अच्छा उसके बाद हम बात करते हैं लिम्फ ड्रेनेज की अच्छा स्पीयर टू पेक्टिनेट लाइन लिम्फेटिक वेसल ड्रेन डीपली इंटू द इंटरनल इलियक लिम्फ नोड्स अच्छा और इंटरनल इलियक लिम्फ नोड्स के थ्रू कहा जाते हैं कॉमन इलियक नोड्स और लंबर लिम्फ नोड्स ठीक है इंटरनल इलियक लिम्फ नोड्स में पहले जाएंगे उसके बाद कहा जाएंगे कॉमन इलियक नोड्स उसके बाद लंबर लिंफ नोट ठीक हो गया अच्छा इनफीगियर टू पेक्टनेट लाइन लिंफेटिक वेसल ड्रेन फिशियली इंटू सुपरफिशियर गर्नल लिंफ ियर में क्या है पेनियम ठीक है ऊपर कौन से इंटरनल इंटरनेलिय लिम्फ नोड्स उनके थ्रू फिर जाता है कॉमन लिय नोड्स के अंदर लंबर नोड्स का स्पीकर टू पेक्टनेट लाइन ठीक है और ये ड्रेन डीपली है इधर और ये इधर ड्रेन सुपरफिशियली है ठीक हो गया ऑफ सो यार वीडियो पसंद आई होगी ख्याल रखिएगा अपना और ये इजी है ठीक है एनल नाल के बारे में केएलएम से मैंने मेजरली वैसे बढ़ाया तो ओप्सो कोई इसमें चीज आ गई हो कमी आ तो कमी कुताई तो माज़त ठीक है अच्छा ये देखें हाँ एक्सटर्नल एनर्ज ना जोन ऑफ एक्सटर्नल एनर्ज के डीप सुपरफिशियल सबक्यूटेनियस ये एक्सटर्नल एनर्ज है ठीक है ये एक्सटर्नल एनर्ज है ठीक है ये इसके सबक्यूटेनियस है ये इसका सुपरफिशियल है और इसका डीप है ठीक है और इसके अंदर ये क्या है ये इंटरनल एनर्ज फिंटर्स है ना ये देखें यहां उन्होंने लेबल किया हुआ ये इंटरनल एनर्ज फिंटर्स है और ये क्या है ये एक्सटर्नल एनर्ज फिंटर्स है ठीक हो गया तो ख्याल रखिएगा अपना अल्लाह हाफिज